नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम, यदि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वह कन्या राशि के होंगे तो आपको उनको किस तरह से टैकल करना है, आपको उनकी किस तरह से आपको उनके बारे में समझ होनी चाहिए, उनके क्या सकारात्मक पहलू है, क्या नकारात्मक पहलू है, अगर वो रूठ जाए तो आपको किस तरह से उनको मनाना है, या फिर छोटे मोटे ऐसे जो मुद्दे होते हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, देखना चाहिए, जिसके वजह से आपके लाइफ में जो विवाह होने के बाद जो भी छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स आते हैं उससे आप बचे रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विवाह और प्रेम, ये जो दो बातें हैं इनमें थोड़ा सा फर्क है, वो जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब यदि आपका प्रेम विवाह हुआ हो या फिर आपका अरेंज मैरिज भी हुआ हो तो भी ये बातें जानने थोड़ी आवश्यक है। क्या होता है कि प्रेम एक भावना है, ये जो प्रेम है ये एक भावना है, और विवाह एक बंधन है, ये एक रिश्ता है। प्रेम में क्या होता है कि जो जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम दिन के बहुत छोटे जो वक्त होता है उसके दरमियान हम आमने सामने होते हैं, तो हम अपना जो सकारात्मक पहलू होता है वही उसके आपके जो प्रेमी होते हैं उसके सामने रखते हैं, जिसकी वजह से उसे भी और वह भी ऐसे ही करता है। तो क्या होता है कि दोनों के मामले में ऐसे होता है कि दोनों को लगता है कि जो सामने वाला प्रेमी बहुत अच्छा है, बहुत केयर टेकिंग है, हर वक्त मेरे ही बारे में सोचता है, तो ऐसी बातें हो सकती है। इसीलिए जो जो प्रेम रहता है ये प्रेम आगे आगे बढ़ता जाता है, अट्रैक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन विवाह के मामले में ऐसी बात नहीं होती। विवाह के मामले में क्या होता है कि आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं उनके साथ 2400 घंटे रहना पड़ता है। आपने यह भी देखा होगा कि जिनका विवाह होता है तो पहले 2-3 महीने बहुत ही अच्छे जाते हैं, बहुत ही आनंदमय जाते हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद यह जो प्रेम रहता है वो प्रेम धीरे 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 कम होते जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले 2-3 महीने में एक दूसरे के समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसी में के बारे में थोड़ा था, और एक ये जो 2-3 महीने होते हैं इसमें क्या होता है कि हर दोनों जन हर एक की इच्छा पूर्ण करने के पीछे रहता है, तो एक कुतूहल रहता है क्या है आमने सामने जो आपके सामने व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही दिन बीतते जाते हैं, मतलब 2-3 महीने के बाद वक्त थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि उसके बाद अपना जो मूल स्वभाव होता है वो मूल स्वभाव सामने आ जाता है। क्योंकि हर दम किसी प्रकार के हम एक्टिंग नहीं कर सकते, हर दम हम मतलब इमिटेट नहीं कर सकते कि हम क्या हम कितने अच्छे हैं, क्योंकि 2-3 महीने के बाद आपका जो मूल स्वभाव है सामने आ जाता है, और फिर यह जो मूल स्वभाव है यह मूल स्वभाव तकरार का कारण हो जाता है दोनों के मामले में। तो अगर आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका स्वभाव आपको अच्छी तरह से पता होगा कि क्या है उनके सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, जैसे मैंने कहा, अगर वो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा तो मेरे ख्याल से जो जो तकरार है, जो दरार पड़ती है, तो वह जो तकरार है वह कम की जा सकती है। बहुत से मामले में छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप उस पर अच्छी तरह से ध्यान दें तो मेरे ख्याल से विवाद जो आपका होगा इसमें कोई भी किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो इसी सीरीज में हम आज देखेंगे कि अगर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वह कन्या राशि के होंगे तो आपको उनके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए या फिर किस तरह से उनको टैकल करना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि कन्या राशि का जो स्वभाव होता है वो कैसे होता है। देखिए, यह बुध की राशि है, बुद्धिमान राशि है, द्वि स्वभाव है, और छठे घर की यह द्योतक है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो यह जो राशि होती है कन्या राशि बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है, मतलब चिकित्सक होती है, हर एक मामले में क्यों, कैसे, कब, ऐसे जो प्रश्न होते हैं प्रश्न वो हमेशा आपको पूछते रहेंगे। यद्यपि मैंने देखा है, मैंने आपको बोला भी होगा कि ऐसी और एक राशि है जो कि इस तरह के प्रश्न पूछती है, लेकिन वो उतनी चिकित्सक नहीं होती। जैसे कि मैंने मिथुन राशि के बारे में कहा था कि उनके बारे में वे भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उनके प्रश्न का आप उत्तर दोगे और उत्तर देकर आप भूल भी जाओगे तो भी चल सकता है। लेकिन यह जो राशि है कन्या राशि के बारे में ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ उत्तर दिया है तो वह उत्तर आपको एंड तक वही रखना होगा, क्योंकि अगर फिर से कभी वो विषय आ जाए अगर आपने उत्तर देने में कोई चूक की तो वो आपको बता देंगे कि इसके पहले आपने उत्तर गलत दिया था, तो आपने झूठ बोला था, तो वह वजह हो सकती है आपके बीच में थोड़ी दरार होने में। तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दिखाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी बात, यह जो राशि है यह राशि किसी पे ऊपर विश्वास नहीं रखती, ये डायरेक्टली किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखती, और बहुत सोचने के बाद, मतलब बहुत कालावधि जाने के बाद ही थोड़ा बहुत आप पर विश्वास रख सकती है। दूसरी बात, बोलने में ये बहुत ज़्यादा आतुर होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते बोलते, लेकिन इनके जो मन की बात है वो आप जान नहीं सकते।
क्योंकि इनके मन में जो बात है वो जल्दी से ओपन नहीं करते। आपको आपको आपने देखा भी होगा या फिर आपने अनुभव भी किया होगा कि बहुत ज़्यादा बोलेंगे किसी भी विषय पर, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, इनको नॉलेज भी बहुत सारे विषयों का होता है तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे लेकिन अपनी मन की बात जल्दी से नहीं कहेंगे। ये बात उनमें होती है और प्रैक्टिकल होती है, जो कि ये बात बहुत अच्छी है। देखिए, हर जो गुण होता है उसके पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक गुण होते हैं। तो जो मैंने कहा कि बोलने की जो कला होती है वो कला इनमें बहुत ज़्यादा होती है, तो कई व्यक्तियों के लिए यह जो बोलने वाला पार्ट है वो अच्छा नहीं होता, लेकिन कई व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है। देखिए क्या होता है कि जब भी आदमी अच्छा ज़्यादा बोलता है, जैसे कि मिथुन राशि के बारे में भी मैंने कहा कि यह राशि है ज़्यादा बोलती है, वैसे कन्या राशि है वह भी ज़्यादा बोलती है, लेकिन इनका बोलना होता है वो क्यूरियस होता है। मतलब आपके जब बारे में हर कोई छोटी छोटी बातें हैं वे जानने का प्रयत्न करेंगे। मतलब आप व्यक्ति कैसे हो, आपका व्यक्तित्व क्या है, आप किस चीज़ में रुचि रखते हो, तो आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, तो ये रीड करने के पीछे ये राशि लगी रहती है। तो अगर इनको पता चले कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो तो इसी प्रकार से ये आपके साथ बिहेव करेंगे। मतलब यह जो राशि होती है, यह राशि रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत माहिर होती है। तो यह और छोटे छोटे गुण आपके बारे में, छोटे छोटे गुण इनके मतलब ध्यान में अच्छी तरह से रहते हैं। मतलब इनके जो इंटेलेक्चुअल होता है वो बहुत अच्छा है, बौद्धिक राशि है ये, तो इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो छोटी छोटी बातों में रस लेती है। तो यही बातें होती है। और दूसरी बात, चिकित्सक जैसे मैंने कहा कि छोटी छोटी बातों पर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं और इनके बारे इनके लिए प्रश्न भी होते हैं। यदि आपका वैवाहिक जोड़ीदार कन्या राशि का हो तो आपके बारे में विद इन एक महीने में, मतलब आपके शादी के एक महीने में ये आपके बारे में सब कुछ पता कर लेगी। सब कुछ, मतलब आप क्या हो, किस में रुचि रखते हो, जो भी है छोटी मोटी बातें भी यह रुचि रख के उसमें उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखती है। और तीसरी बात, पैसों के मामले में जो ये जो राशि होती है थोड़ी प्रैक्टिकल होती है, मतलब पैसा जल्दी नहीं खर्चा करते और पैसे के बारे में भी ये सोचे कि जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो लॉन्ग रन इफेक्ट में यूजफुल है या नहीं। मतलब जैसे हमने देखा कि जो मेष राशि है, मिथुन राशि है, यह जो राशि है पैसे का खर्च करने के मामले में वो खर्च कर भी देती है, लेकिन यह जो राशि है यह राशि पैसा खर्च नहीं करेगी। और जैसे कि वृषभ राशि के बारे में भी हमने देखा कि यह राशि पैसा खर्च करती है लग्जरियस जो चीज़ें होती है उसके लिए, लेकिन यह राशि होती है लग्जरियस चीज़ों को भी पैसा नहीं खर्च करती। बहुत ही मतलब बारीक से सोचेंगे कि जो उनको पैसा खर्च करना है वो कहाँ पे जाने वाला है, किस तरह के उसका यूटिलाइज होने वाला है, उसके बाद ही पैसा खर्च करेगी। इसीलिए यह जो राशि होती है वैवाहिक, जो हम बोलते हैं आपका अगर जोड़ीदार वैवाहिक जोड़ीदार कन्या राशि का हो तो बहुत अच्छा होता है कि पैसा ये अच्छी तरह से किस तरह से बैलेंस रखना है, यह जो राशि होती है अच्छी तरह से इन्हें मालूम होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी भी विषय पर इनसे डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि ये यह जो राशि होती है यह खुद के डिसीजन अच्छी तरह से नहीं ले पाती। मतलब कोई भी अगर मसला हो तो डिसीजन हाँ है, ना है, ना है, हाँ है, इसके बारे में मतलब छोटे मोटे बातों में भी डिसीजन लेना उनसे, क्योंकि ये राशि बहुत चिकित्सक है। जैसे मैंने कहा कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिकित्सक होता है और जो व्यक्ति बौद्धिक होता है तो उनको डिसीजन पावर उनमें कम होती है, क्योंकि वो लॉजिक लगाते रहते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जब भी जो भी है, तो इसकी वजह से हाँ ना हाँ ना इसमें बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं और जिसकी वजह से डिसीजन लेना उनको कठिन हो जाता है। तो यही बात होती है, तो इनके ऊपर के किसी भी मामले का डिसीजन नहीं छोड़ देना, क्योंकि डिसीजन के मामले में ये थोड़े कम होते हैं। उसी प्रकार काम करने के, मतलब फिजिकल जो वर्क होता है काम करने के मामले में भी अगर देखा जाए तो थोड़े कम होते हैं। मतलब यह जो राशि होती है वो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है। स्पाईगिरी जिसे हम बोलते हैं, किसी के बारे में अगर कोई आपको मालूमत करनी है तो यह राशि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। दूसरी बात, जो ऑफिस वर्क होता है उसमें भी यह राशि बहुत ही अच्छी होती है। मतलब सभी प्रकार के ज्ञान उनको होते हैं, या फिर अकाउंटेंट का जॉब होता है उसमें भी यह जो राशि है वो बहुत ही अच्छी होती है। घर के मामले में जो हम घर का काम बोलते हैं इसमें सो है, मतलब ये काम करेगी भी और ऐसा दिखाएगी कि मैंने बहुत काम किया है। तो दूसरी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राशि एक्ट बहुत अच्छी तरह से करती है। जी हाँ, मतलब जिसे हम एक्टिंग करते हैं, दूसरों की नकल उतारना, ये इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। और कभी कभी ये खुद से भी ऐसी तरह से नकल ले सकती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, मतलब अगर इनको कुछ बातें आपको समझानी है तो उस तरह से नकल करेगी, जैसे कि बीमार पड़ना,
तो बीमारी के बारे में बात, बीमार होने के बाद किस तरह से आदमी के लक्षण होते हैं, ये लक्षण वो यह जो राशि है वो बहुत अच्छी तरह से करेगी। जी हाँ, ये इनमें बहुत अच्छी खूबी होती है। और बाकी के जो लोग हैं उन लोगों के बारे में भी नकल करना इनको बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत बारीक बारीक जो लक्षण होते हैं उसके ऊपर इनका ध्यान होता है। तो यह बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन यह जो राशि है इस राशि को कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स हमेशा रहते हैं। कोई ना कोई मतलब शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है उसका इन राशियों का इतना अच्छा नहीं होता शारीरिक, इसीलिए मैंने कहा कि फिजिकल जो काम होता है, जैसे कि मेष राशि होती है या फिर वृषभ राशि होते हैं या फिर कर्क राशि होते हैं या फिर सिंह राशि भी होते हैं, वो जो फिजिकल काम होते हैं उसमें वो स्टर्डी होते हैं, मतलब बहुत दिनों तक फिजिकल काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो राशि है, जैसे कि हमने मिथुन राशि के बारे में भी देखा, यह भी जो राशि है यह राशि फिजिकल काम करने के बारे में इतनी स्टर्डी नहीं होती। हालांकि ऐसा कोई फिजिकल काम होगा तो दिमाग चलाएंगे अपना और दिखा और ये करेंगे कि किस तरह से ये जो काम है वो टाला जाए या फिर किस तरह से ये जो काम है दूसरे के सर पे लिया जाए, तो दिया जाए। तो इसके बारे में ये जो राशि होती है बहुत ज्यादा होशियार होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जिसे हम बोलते हैं कि वैवाहिक जो जोड़ीदार हो वो अगर आपका इस राशि का होगा तो दो तीन बातें आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। एक बात, उनके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर देना, और जो उत्तर रहेंगे वो ट्रांसपेरेंस में होनी चाहिए, अगर मतलब जो भी आपने उत्तर दिया है उसी के ऊपर कायम रखना, जो भी बातें हैं अपने बारे में वो खुल के सामने रखना। मतलब यह जो राशि होती है बहुत बारीक से आपके ऊपर देखने वाली है शुरुआत से, तो जो भी काम है बहुत ट्रांसपेरेंसी से करना, और इनकी जो इनके इनके ऊपर कोई भी ऐसा ये नहीं छोड़ना जिसे हम डिसीजन बोलते हैं वह नहीं छोड़ना, क्योंकि डिसीजन पावर इनमें बहुत ज़्यादा कम है। फिजिकल जो काम है वो उनसे होने वाले नहीं, मतलब उनकी जो पॉजिटिव बातें हैं ऐसे काम अगर आप उनको उन पर सौंपोगे तो बहुत अच्छा होगा। अब आखिर में आता है कि अगर यह जो राशि है यह राशि अगर रूठ जाए तो आपको क्या करना होगा। यह जो राशि अगर रूठ जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल है, थोड़ी बहुत जिसे हम कॉमेडी बोलते हैं ना, जिसे हम विनोद बोलते हैं, तो यह जो कॉमेडी है यह अगर आप इनसे करो तो वो यह जो राशि है वो नॉर्मल हो सकती है। मतलब अच्छी अच्छी बातें अगर उनके लिए कहो तो यह राशि मतलब उन बातों में आने वाली होती है। दूसरी बात, यह राशि को लेकर शॉपिंग के लिए लेके जाओ, क्योंकि यह जो राशि है खुद से कोई मतलब पैसा खर्चा नहीं करेगी, तो इनका जो रस है जिस विषय में इनका रस है उनके ऊपर अगर आप उनके लिए खर्चा करोगे तो मेरे ख्याल से यह जो रूठापन है वो जा सकता है। और दूसरी बात, इनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना थोड़ा आवश्यक है, तो यह बातें हैं, यह बातें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी बात, जैसे मैंने हर राशि के बारे में करीबन कहा है कि यौन संबंध में यह राशि कैसी होती है, तो जो ये कन्या राशि है ये कन्या राशि यौन संबंध में इतनी स्टर्डी नहीं होती। हालांकि आपने देखा होगा कि आप या फिर आपने अनुभव भी किया होगा, यह राशि हमेशा अपने फिजिकल मामले में मेरा ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, मेरा सर दुख रहा है, और इनको पीठ और जो पेट मतलब बैक और स्टमक इसके बारे में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं, स्किन एलर्जी हो सकती है या फिर सिर दर्द बोलते हैं, ऐसी जो लक्षण होते हैं ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है वो इन राशि में होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यौन संबंध के बारे में जैसे मैं कह रहा था कि यौन संबंध में भी ये राशि वो स्टर्डी नहीं होती, मतलब खुद से ये राशि इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, मतलब यौन संबंध में भी ज़्यादा फिजिकल काम ज़्यादा होता है, तो फिजिकल के बारे में ये राशि थोड़ा कम है। जैसे कि मैंने मिथुन राशि के बारे में कहा था, मिथुन राशि के बारे में मैंने ये कहा थी कि हालांकि ये लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन ये राशि वो बोलने में भी उस मामले में थोड़ी कम है, मतलब ज़्यादा वो मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं होता, मालूम तो उनको सब होता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इसी की वजह से उसके बारे में बोलेंगे भी नहीं, और यह जो काम है यौन संबंध का जो काम है इसके बारे में यह ज्यादा खुल के सामने नहीं आती। तो यही बात है, यह जो बातें हैं वो अच्छी तरह से अगर आप ध्यान में रखोगे तो अगर आपका वैवाहिक जोड़ीदार कन्या राशि का हो तो मेरे ख्याल से आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे। यद्यपि इसके बावजूद अगर आपको कन्या राशि के जो भी आपके वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे अगर मनमुटाव हो रहा है, आपके आपके वैवाहिक जो संबंध है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे ख्याल से फिर उनकी जो कुंडली है वो कुंडली पूरी तरह से देखना आवश्यक है, क्योंकि कुंडली में बाकी के जो ग्रह होते हैं वह ग्रह भी अपने अपने ओर से कोई ना कोई तो इफेक्ट दे ही जाते हैं, परिणाम दे ही जाते हैं, तो उसके ऊपर अगर ध्यान दी जाए तो अच्छी तरह से अगर वो कुंडली रीड की जाए तो उसमें से भी कोई ऐसे उपाय है या फिर ऐसी कोई बातें सामने आ सकती है जिसकी वजह से हार्मनी हो सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं
या फिर वैवाहिक मामले में हो या फिर किसी और मामले में, तो उनका कोई स्पेसिफिक कालावधि होता है जिस कालावधि तक ही आपको वो जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने पड़ते हैं, फिर से आपके जो नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। या फिर ऐसे भी कोई प्रॉब्लम होती है कि जो थ्रू आउट मतलब पूरी लाइफ तक आपके मतलब वो सुख आपके जो आपकी जो कुंडली है उसमें नहीं होता, तो वह अगर अच्छी तरह से देखी जाए आपकी कुंडली, तो मेरे ख्याल से ऐसे भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल के आ सकता है। तो मित्रों ये था, अगर आपका जोड़ीदार कन्या राशि का हो तो उससे आपको किस तरह से टैकल करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने इसका किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी आपको दिखाई देगा वह भी प्रेस करना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिलती रहेगी। धन्यवाद।